ओम शांति। आज हैं 15 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा ने ज्ञान मार्ग में तीव्र पुरुषार्थी बनने व लास्ट सो फास्ट जाने के लिए व ऊंच पद का आधार बताया पढ़ाई और याद की यात्रा। जितना पढ़ाई और याद की यात्रा में रहेंगे उतना पढ़ाई में गलप करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। आज मुरली का प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूंझ जाते हैं। कहते हैं, ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य भाग्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मत वाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। दूसरा, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। स्पष्टीकरण है, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज का स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे इसके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।